नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और साथ ही दलित वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों ने प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके एक अलग संदेश देने का प्रयास किया तो बसपा प्रमुख मायावती और सत्ताधारी बीजेपी ने इस बात पर कटाक्ष करते हुए उन्हें दलित विरोधी बताया। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव शुरू होने वाले और शुरू हो चुकी है सरगर्मियां, कारण जनता को अपने पाले में करने की, दलित को भी यहां पर अपने पाले में करने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव आज रायबरेली गए थे। उन्होंने वहां पर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया, दलित वर्ग को अपने पाले में करने के लिए और इस वर्ग को बताने के लिए कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार इस वर्ग के लिए काम कर रही है और इस वर्ग के लिए सोचती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल चुनाव के समय इस वर्ग की याद करना कहीं ना कहीं इस वर्ग के साथ भी एक बात बेमानी साबित करती है कि चुनाव में केवल इस वर्ग को क्यों याद किया जाता है। बड़ा वर्ग, बड़ी आबादी, बड़ा वोट बैंक, पर सबसे महत्वपूर्ण बात केवल चुनाव के समय क्यों, महत्वपूर्ण मसला है और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद है। जानते हैं कि क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। जी देखिए, बहुत ही हास्यास्पद सा है जैसे कि आपने कहा और मायावती जी ने कहा है। तो मायावती की स्पष्ट टिप्पणी है, मायावती जी ने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड नहीं होता तो बसपा सपा का गठबंधन कहीं और जाता, कहीं और पहुँचता। यानी मायावती के साथ जिस प्रकार से उनका अपमान करने का काम, उनके सम्मान उछालने का काम लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया गैस हाउस कांड में, मायावती जी और दलित वर्ग उसको कभी भूल नहीं सकता। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो भले ही अनावरण करें उससे कोई उनका दलित प्रेम जागेगा या दलित वोट उनको मिल जाएगा या दलित के पाले में हो जाएगा, मुझको लगता नहीं है। अखिलेश यादव जी की जमीन वो सरक चुकी है, धड़क चुकी है, आज उनके पास समर्थन नहीं है। और ये जो दलित वर्ग है, ये विशेष रूप से जिसको आदरणीय माननीय काशीराम जी ने सींचने का काम किया, मायावती ने सींचने का काम किया, मायावती ने जिसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से सिंचित करने का काम किया, उनको गरीबों को मकान दिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनको जनधन के खाते खुलवाए, उनको शौचालय देने का काम किया, हर घर को जल से नल, नल हर घर को नल से जल, ये देने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, उनके खाते में पैसे डालने का काम किया, लगातार खाद्यान्न उनके पास पहुंच रहा है, उनके बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो रही है, सबके पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित की बेटी का मान सम्मान बढ़ा है, उसकी सुरक्षा बढ़ी है, आज किसी प्रकार का खतरा दलित की बेटी को नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी कुछ भी परिश्रम करें, कुछ भी काम करने की कोशिश करें, जो माननीय काशीराम जी की पूंजी है उसको आगे बढ़ाने का, उस संपदा को, उस मान सम्मान को, उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि केवल सरकार में छला जा रहा है, बेरोजगारों की बात करें या नौकरी की बात करें, आवास की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंफ्रा की बात करें, केवल जनता को लुभाया जा रहा है, छला जा रहा है। यहाँ पर जो भी काम होते हैं केवल नाम के लिए होते हैं और सरकार केवल जनता को दिखा रही है कागज पर, जबकि होता कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी जिस रोड पर चल रहे हैं, जिन सड़कों पर चल रहे हैं, जिनको दौड़ रहे हैं, वो सड़कें किसने बनाई हैं? जो 24 घंटे बिजली जगमगा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये समाजवादी पार्टी सरकार में क्यों नहीं आती थी? जो गुंडों का साम्राज्य होता था, अभी अतीत की क्या स्थिति हुई है? ये गुंडों का साम्राज्य, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटने का काम होता, सरेआम होते थे, सरेआम व्यापारी से लूट होती थी, इंडस्ट्री वाले आ नहीं पाते थे। आज इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे होगी? ये छलावा नहीं है साहब, ये धरातल पे है। गरीबों के शौचालय बने, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है और समाजवादी पार्टी ने 10 साल तक केंद्र की सरकार भी चलाने का काम किया है। ये गरीबों के शौचालय तब क्यों नहीं बने? गरीबों के मकान तब क्यों नहीं बने? उनको उज्ज्वला कनेक्शन तब क्यों नहीं मिले? उनके खाते में पैसे तब क्यों नहीं आए? यानी ये सब चीजें धरातल पर उतरी हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अखिलेश जी के बहकाए में अब कोई आने वाला नहीं है, उनकी जमीन सरक चुकी है। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, योगी से जनता प्यार करती है, उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका आज जनता उसको प्यार करती है और बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है।
निकाय चुनाव है, लगातार संगठनों में बैठकों का दौर जारी, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें या भाजपा की बात करें। भाजपा हमेशा अपने नई व्यवस्थाओं के साथ, नए संगठन के साथ और नई व्यवस्थाओं के साथ जिम्मेदारी को तय करती है और हमेशा चुनाव में जाती है। इस चुनाव में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है और कैसी रणनीति रहने वाली है जिससे निकाय चुनाव में, क्योंकि जिसको 24 के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ क्या मतलब धरातल पर उतारने का काम भी किया है। हमने चीज़ों को धरातल पर उतारा है, हमने काम किया है और जिन चर्चाएं मैंने अभी विकास की है उनकी पुनरावृत्ति आवश्यकता नहीं है, उनको हमने किया है। स्थानीय निकाय का चुनाव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जनता के लिए भी है, और वो इस रूप में है कि जनता चाहती विकास हो, उनकी सड़कें, उनके बिजली के सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, उनका काम, उनके पानी की व्यवस्था, उनको पीने के पानी की सप्लाई, उनके जितने भी आवश्यकता नगर निकाय से जितनी आवश्यकताएँ पूर्ति होती हैं वो तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यानी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव जीते। तो जब चुनाव जीतेंगे हम तो जो केंद्र की और प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी वो धरातल पर उतरने का काम होगा। मैं उदाहरण देकर के आपको समझा सकता हूँ कि जिस समय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में और उत्तर प्रदेश की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो 17 तक श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते मोदी जी की योजनाओं को उतारने का काम नहीं किया। जनधन के खाते नहीं खुलवाए, लोगों के शौचालय नहीं बनवाए, लोगों के पक्के मकान नहीं बनवाए, सड़कों पर काम नहीं होने दिया और लगातार जनता का धोना और शोषण होता रहा, तो उसके कारण से जनता पिछड़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके कारण से बहुत जल्दी ये सारे काम होने वाले और हमको बहुत जल्दी हम स्थानीय निकाय में चुनाव जीत कर गए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। का कहना है कि सरकार ने बेहतर काम की, उन्हीं कामों को तरजीह देती है, उन कामों के आधार बनाती है, ये स्थानीय निकाय चुनाव में जाने वाली है। वहीं अखिलेश यादव के दलित प्रेम पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दलित प्रेम केवल दिखावा है, उन्होंने क्या हुआ था मायावती भी जानती है और मायावती जो है कई बार बता भी चुकी है कि अखिलेश यादव है क्या और समाजवादी पार्टी की असली असलियत क्या है। अरबर निकाय चुनाव में किस व्यवस्था के साथ आगे जाएंगी, क्या परिवर्तन होगा और यहाँ पर किसका बोलबाला होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा और जो बेहतर रणनीति से काम करेगा, जीत उसी की होगी। क्या पसंद विजय के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।